कैंसलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, कैंसलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होना अगर कॉमन है तो कैंसलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। ओके, पे अटेंशन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कैंसल होना क्या रीजन हो सकता है? रीजन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज तुमने कुछ इंपोर्ट किया है और तुमको पेमेंट करना है 1 मंथ के बाद, 1 महीने के बाद तुमको पेमेंट करना है, लेकिन तुमने जो इंपोर्ट किया वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, तुमने वापस भेज दिया, तो पेमेंट नहीं होने वाला है या पेमेंट डिले होने वाला है। लेकिन तुमने फॉरवर्ड रेट बुक कर लिया था टू पे, फॉरवर्ड रेट बुक कर दिया था टू बाय द डॉलर्स, और पे करने के लिए फॉरवर्ड रेट बुक कर दिया था, लेकिन तुम्हारा पेमेंट अभी लेट होने वाला है या कैंसिल हो गया पेमेंट, तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था उसको कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, उल्टा केस, सपोज यू आर एन एक्सपोर्टर, तुमने कुछ एक्सपोर्ट किया है, तुमने कस्टमर को एक्सपोर्ट किया है, कस्टमर तुमको डॉलर देने वाला है 1 महीने के बाद, सो और तुमने फॉरवर्ड रेट बुक कर लिया टू कन्वर्ट डॉलर्स इनटू रुपीस, लेकिन ड्यू टू सम रीजन गुड्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न होता है ना हमारा, तो सेल्स रिटर्न हो गया, वापस आ गया गुड्स, ओके, और ये डील ही कैंसिल हो गया, तो तुमने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया था बैंक के साथ वो कैंसिल करना पड़ेगा। सो एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉमन। सिमिलरली कैंसलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। कभी कभी हमको एक्सटेंशन भी करना पड़ता है, समझो पेमेंट हमको लेट करना है, 1 महीना सोचा था पहले लेकिन 1 महीने के बदले 1.5 महीने के बाद करना है या 2 महीने के बाद करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना कॉमन है तो कैंसलेशन भी कॉमन है। अच्छा, अभी कैंसलेशन अलग अलग तरीके का हो सकता है। देखो, पहला, नंबर वन, कैंसलेशन बिफोर द मैच्योरिटी डेट। दूसरा, कैंसलेशन ऑन द मैच्योरिटी डेट। तीसरा, कैंसलेशन आफ्टर द मैच्योरिटी डेट। तो अलग अलग टाइप का कैंसिलेशन हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज बिफोर द मैच्योरिटी डेट। ओके, मैंने 4 केसेस बोला। पहला, कैंसिलेशन इज बिफोर द मैच्योरिटी डेट। दूसरा, कैंसिलेशन ऑन द मैच्योरिटी डेट। तीसरा, कैंसिलेशन आफ्टर द मैच्योरिटी डेट। अच्छा, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी कैंसिलेशन करके एक्सटेंशन भी हो सकता है। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही कर दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है हम बैंक को जाके बोलते हैं भाई ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, एक्सटेंड करना है क्योंकि मुझे पेमेंट जो करना था वो डेट बढ़ गया आगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इट कैन बी ओनली कैंसिलेशन और इट कैन बी कैंसिलेशन प्लस एक्सटेंशन। तो अलग अलग केसेस है। ओके, अलग अलग केसेस है, तो उसके हिसाब से दिस इज योर स्टडी मटीरियल। Okay, in your study material, cancellation on the due date, that is maturity date. There can be early cancellation, there can be late cancellation. So this is cancellation on the date of maturity, this is cancellation before the maturity, and this is cancellation after the maturity. Same way extension bhi ho sakta hai. Same way extension bhi ho sakta hai. Theek hai? So extension on the due date, extension before the maturity and extension after the maturity. Matlab cancellation is one part, cancellation and extension is a different part. Matlab kisi contract ko extend karna hai, suppose 1 mahine ke baad tum dollar kharidne wale ho, abhi tumko lag raha hai ki nahi 1 mahine ke baad mujhe nahi kharidna hai, mujhe 1.5 mahine ke baad kharidna hai, to 15 din 20 din 25 din extend karna hai, to aise extension nahi hota hai. To jo tumhara purana contract hai wo cancel hota hai और एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है, उसी को एक्सटेंशन बोलते हैं, उसी को हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू टेक क्वेश्चंस ऑफ ईच टाइप, वी हैव टू टेक क्वेश्चंस ऑफ ईच टाइप। तो चलो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक क्वेश्चंस ऑन कैंसिलेशन बिफोर द मैच्योरिटी डेट, केस वन। तो वी आर टेकिंग क्वेश्चंस ऑन कैंसिलेशन, 2 क्वेश्चन करेंगे इस पे। ठीक है, तो लिखो, राइट डाउन, जस्ट गिव द हेडिंग सो दैट यू कैन बाइफरकेट लेटर। सो आई एम डूइंग कैंसिलेशन of forward contract before maturity. क्या बोला मैंने? Before the maturity.
चलो नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो. अ कस्टमर विथ होम बैंक हैड एंटर्ड इनटू 3 months फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट. यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये कैंसिलेशन वाले सम, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. कस्टमर विथ होम बैंक हैज एंटर्ड इनटू 3 months फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्विस फ्रैंक 10,000. बैंक परचेज करेगा, मतलब कस्टमर बेचेगा, ओके, एट द रेट ऑफ 27.25 कम्स टू द बैंक आफ्टर 2 months. 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 महीने के बाद कस्टमर बैंक के पास जाता है एंड रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन. ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है. क्यों? क्योंकि कस्टमर का जो डील होगा अपने कस्टमर के साथ, वो शायद कैंसिल हुआ होगा. देखो क्या करने वाला था यहां पर, बैंक हैड एंटर्ड इनटू 3 months फॉरवर्ड परचेज, मतलब बैंक बाय करने वाला था. बैंक बाय करेगा, कस्टमर सेल करेगा. कस्टमर को स्विस फ्रैंक मिलने वाला है और वो 3 महीने के बाद बैंक को बेचने वाला था, ऐसा ओरिजिनल प्लान है. ठीक है, अच्छा. ऑन दिस डेट रेट्स प्रिवेलिंग आर स्पॉट रेट एंड 1 month फॉरवर्डेड, कभी 2 महीने के बाद. वॉट इज द गेन और लॉस टू द कस्टमर ऑन कैंसिलेशन. चलो ठीक है, तो पहले तो जरा मैं इसको ऐसे समझाता हूँ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 30. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो. सबसे पहले तो ना हम लोग इधर है, देखो टुडे वी आर ओवर हियर. ओके, ऐसे ही मैं एक डेट लेता हूं, समझो 4th of December. ओके सॉरी, आज 4th of December है. सपोज 2 महीने पहले लो ना तुम, 2 महीने पहले मतलब 4th of October. चलो 4th of October को कॉन्ट्रैक्ट किया था. ओके, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कस्टमर विल सेल एट क्या रेट है, देखो क्या रेट है, 20. कॉन्ट्रैक्ट का रेट क्या था, 27.25. ठीक है, 27.25 रुपीज फॉर 1 Swiss franc. एंड बैंक विल बाय एट 27.25 रुपीज. अच्छा, ऑन विच डेट? ऑन, मैंने ऐसे ही डेट्स लिया हुआ है जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड. ऑन 4th of Jan, इधर. ओके, ऑन 4th of Jan ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया 4th October को. आज समझो 4th December है, टुडे इज 4th of December. 4th October को कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 4th January को कस्टमर बेचेगा, बैंक बाय करेगा, ऐसा सोचा हुआ है. अब क्या होता है पता है, एक बात समझो इधर है ना, अगर बैंक तुमको कमिट करता है ना, तो बैंक अपने आप को ना हमेशा सेफ करता है. ध्यान से सुनना, बैंक विल एंटर इनटू अ कवर कॉन्ट्रैक्ट. तो बैंक एंटर्स इनटू अ कवर कॉन्ट्रैक्ट. रेट दिया नहीं है, रेट दिया नहीं है हमको, नहीं दिया हुआ है. कवर कॉन्ट्रैक्ट क्या सर? अभी बैंक तुमसे खरीदेगा तो बैंक को रिस्क होगा. तो अगर तुम समझो तुमसे खरीदा और कहीं बेचने का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर देता है बैंक, समझ रहे हैं, तुमसे बाई करके ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इंटर बैंक मार्केट में. ये बैंक ये कहां होता है, इंटर बैंक मार्केट में. मतलब 4 अक्टूबर को बैंक ने 2 ट्रांजैक्शन किया, एक तुम्हारे साथ, तुमसे खरीदेगा और तुमसे खरीदा हुआ स्विस फ्रैंक 4 जनवरी को बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया होगा. मतलब ये जो रेट होगा ना, ये वाला रेट 27.25 से ज्यादा होगा. वो तुमसे, बैंक तुमसे बाय करेगा ये रेट पे, तो बैंक बेचेगा ना, तो बैंक बेचेगा एट अ हायर रेट. तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी, कवर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको, वो कॉन्ट्रैक्ट भी बैंक ने कर दिया होगा. वो रेट नहीं दिया इधर, बट इट इज ऑब्वियस कि वो 27.25 से ज्यादा ही होगा, तभी तो बैंक कमाएगा. मतलब फोर्थ बैंक का प्लान क्या है, 4 जनवरी को बैंक तुमसे 10,000, यू आर अ कस्टमर सपोज, तुमसे 10,000 स्विस फ्रैंक खरीदेगा एट 27.25 और उसको बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट बैंक ने कर दिया 4 अक्टूबर को ही,
और वो रेट 27.25 से ज्यादा ही होएगा, तभी तो बैंक करेगा ऐसा काम। ऐसा बैंक का ओरिजिनल प्लान था। सर ये वाला जो कवर कॉन्ट्रैक्ट है वो किधर होता है? वो इंटर बैंक मार्केट में किया होगा, इंटर बैंक मार्केट में, मतलब किसी दूसरे बैंक के साथ ट्रांजैक्शन किया बैंक ने, इसका रेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो रेट 27.25 से ज्यादा होगा। अंडरस्टूड है? अभी तुम 4th दिसंबर आज बैंक के पास जाके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को बोलते हो, तो तुमने बैंक का पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ दिया। अब जो नुकसान बैंक को होएगा या गेन होएगा वो तुमको बेयर करना है। अगर नुकसान है तो बेयर करो, गेन है तो तुमको मिलना चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग सम चार्जेस ऑफ कोर्स। लेकिन तुमने पूरा बैंक का कैलकुलेशन खराब कर दिया। अब क्या होगा देखो, 4th दिसंबर ध्यान से सुनना, यहां पे आज तुमने बोला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ठीक है चलो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो खड़ा ही है। बैंक एंटर्स इनटू अ कवर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, समझो तुम, तो ये तारीख को बैंक को सेल तो करना ही है इस कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। अभी तुमसे बाय करने वाला था, तुम तो ना बोल दिया, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा मालूम है? बैंक को है ना ये तारीख को एक दूसरा 1 month कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू सेटिस्फाई दिस कॉन्ट्रैक्ट। बैंक ने किसी दूसरे बैंक के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है टू सेल, बराबर है? प्लान कैसा था, ओरिजिनल प्लान क्या था? ये तारीख को बैंक बाय करेगा फ्रॉम कस्टमर एट व्हाट रेट 27.25 एंड सेल इन कवर कॉन्ट्रैक्ट। वो रेट पता नहीं ज्यादा ही होगा, वो सीधी बात है दिया नहीं है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, तुम कैंसिलेशन करेगा तो ये नहीं होएगा ना फिर, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो खड़ा ही है बैंक का। तो बैंक क्या करते हैं मालूम है, 4th दिसंबर को एक और कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा इंटरबैंक मार्केट में, बराबर है, और एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा टू सेटिस्फाई दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब इस अरेंजमेंट में बैंक को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है? कैंसिलेशन चार्जेस होगा, वो प्रोसेसिंग फी, वो सब अलग बात है, लेकिन ये जो एक्सचेंज रेट का नुकसान है ना वो बैंक बेयर नहीं करेगा। अगर नुकसान है तो प्रॉफिट है तो तुमको मिलना चाहिए कस्टमर को, और लॉस है तो तुमको भरना पड़ेगा। देखते हैं चलो अभी क्या होगा। देखो 4 दिसंबर आज बैंक एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा 1 month, अभी बैंक बाई करेगा, बैंक विल बिकम अ कस्टमर। देखो तो 1 month ये जो रेट्स है ना, ये आज के रेट्स है, आज के तो बैंक 1 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आस्क रेट बुक करेगा, आस्क रेट खरीदना है, तो बैंक विल बाय 1 month फॉरवर्ड। बैंक विल बाय बोल रहा हूँ, वन बैंक इज बाइंग फ्रॉम अनदर बैंक, तो बैंक खुद कस्टमर हो जाता है, तो आस्क रेट लगेगा। तो बैंक विल बाय फ्रॉम अनदर बैंक एट 27.52, ठीक है? तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया, और नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 4th जनवरी को बैंक विल बाय एट 47, क्या था रेट, 27.52, ये रेट मिलेगा, ये आज का रेट है, आज मतलब 4th, अपने एग्जाम्पल के हिसाब से 4th दिसंबर, और 1 month फॉरवर्ड मतलब ये। तो बैंक ने क्या किया, एक 27.52 का नया कॉन्ट्रैक्ट किया, वो रेट पे बाय करेगा, बराबर, वो रेट पे बाय करेगा। पहले वो तुमसे बाय करने वाला था 27.25 में, देखो कि बैंक बाय करेगा मार्केट से नए रेट के हिसाब से 27.52, तो बैंक का ना बाइंग प्राइस बढ़ गया। बैंक का सेलिंग प्राइस तो वही है, ये तो वही है, लेकिन बैंक का बाइंग कॉस्ट बढ़ गया। बैंक तुमसे बाय करेगा, करने वाला था 27.25 को, अभी 1 month फॉरवर्ड नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिसको रेट मिल रहा है 27.52। तो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग एट 27.25, बैंक को खरीदना पड़ रहा है 27.52 टू कवर दिस कॉन्ट्रैक्ट, टू सेटिस्फाई दिस कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे? तो यहां पर बैंक को नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है बताओ, कितना लॉस हो रहा है? 27.25 का नुकसान हो रहा है पर डॉलर, पर स्विस फ्रैंक। और कितना स्विस फ्रैंक है? 10,000 स्विस फ्रैंक है, तो इंटू 10,000 मतलब 2,700 रुपए का नुकसान हो रहा है। ये 2,700 रुपए का नुकसान कौन भरेगा? तुम भरोगे कस्टमर, और कौन भरेगा? तो कस्टमर को ये नुकसान भरना पड़ेगा, यही हमको अभी लिखना है। देखो एज पर
राइट ऑन एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट द बैंक इज सपोज टू बाय, बैंक इज सपोज टू बाय वन स्विस फ्रैंक, वन एस एफ या सी एच एफ लिखो, वन सी एच एफ एट रुपीज 27.25. बैंक वॉज सपोज टू बाय वन सी एच एफ एट 27.25 रुपीज एंड कस्टमर वॉज सपोज टू सेल, एंड कस्टमर वॉज सपोज टू सेल. इसका जो आंसर है डेफिनेट, मतलब जो लिखना है अपने को वो एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है. एंड कस्टमर वॉज सपोज टू सेल. Stop. However, before the maturity, the customer asks for cancellation. Customer asks for cancellation. Full stop. आगे लिखो. Two months back, the bank must have entered into a cover contract. Bank must have entered into a cover contract to sell 10,000 Swiss franc, which it was supposed to buy from the customer on the maturity date. Okay, full stop. Right, next line. Due to cancellation, bank will have to enter into 1 month. Bank will have to enter into 1 month. Bank will have to enter into 1 month forward contract. 1 month forward contract to buy 10,000 Swiss franc. At ask rate, that is rupees 27.52. ये रेट पे अभी बैंक बाय करेगा और ये ओरिजिनल कवर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये वाला, इसको सेटिस्फाई करेगा ये वाले को. ओके, तो ये इसका रेट तो दिया ही नहीं सर. कोई बात नहीं, वो रेट नहीं दिया तो क्या होगा, प्रॉफिट लॉस हमको पता चल रहा है क्योंकि बैंक बाय करने वाला था 27.25 में और अभी बाय कर रहा है 27.52 में. लिखो, आगे लिखो. राइट, नेक्स्ट लाइन. राइट ऑन. नाउ इंस्टेड ऑफ बाइंग परचेजिंग स्विस फ्रैंक एट रुपीज 27.25, बैंक विल बाय एट रुपीज 27.52. Okay, full stop. Hence, there will be a loss. Hence, there will be a loss on cancellation, which will be recovered from the customer. ये नुकसान बैंक थोड़ी भरेगा, ये कस्टमर की वजह से. सपोज यू आर अ कस्टमर, तुम्हारी वजह से बैंक को नुकसान होएगा तो बैंक थोड़ी ये लॉस बेयर करने वाला है, तुमको बोलेगा.
नीचे लिखो लॉस ऑन कैंसलेशन टू द कस्टमर इक्वल टू लॉस ऑन कैंसलेशन, लॉस ऑन कैंसलेशन टू द कस्टमर इक्वल टू लिखो 27.52 रुपीस, 27.52 रुपीस माइनस 27.25, क्लोज द ब्रैकेट इनटू, क्योंकि 10,000 है ना, तो ऐसे लिखो 27.52 रुपीस माइनस 27.25 रुपीस मल्टीप्लाई बाय 10,000 डॉलर, 10,000 स्विस फ्रैंक सॉरी, ठीक है, तो ये आएगा 2,700 रुपया। ये नुकसान बैंक रिकवर करेगा फ्रॉम द कस्टमर, बराबर है। चलो अभी एक उल्टा वाला सम लेते, इधर क्या करने वाला था, बैंक बाय करने वाला था कस्टमर से और कस्टमर सेल करने वाला था, बराबर। नेक्स्ट सम अभी उल्टा है, रिवर्स है। टेक दिस क्वेश्चन नंबर 30। चलो, अ कस्टमर विथ होम बैंक हैड एंटर्ड इनटू 3 मंथ्स फॉरवर्ड सेल, बैंक हैड एंटर्ड इनटू 3 मंथ्स फॉरवर्ड सेल, मतलब बैंक बेचेगा कस्टमर बाय करेगा, ठीक है, 1,00,000 स्विस फ्रैंक एट द रेट ऑफ 36.25, कम्स टू द बैंक आफ्टर 2 मंथ्स एंड रिक्वेस्ट कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, ऑन दिस डेट द रेट्स आर व्हाट, 1 CHF इक्वल टू दिस, कभी ऑन द डेट मतलब 2 महीने के बाद, देखो आफ्टर 2 मंथ्स लिखा है, बराबर है, तो आज ये रेट्स है, ये रेट्स है, बराबर है, और और क्वेश्चन क्या, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू द कस्टमर, कस्टमर को कभी कभी फायदा भी होता है इसमें ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। चलो देखते हैं, प्रॉफिट बहुत कम केसेस में होता है, ओके, बहुत कम केसेस में होता है, चलो ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, समझो आज है 4th of December, ठीक है, 4th October को कॉन्ट्रैक्ट किया था हम लोग, इधर है टुडे, लिखो मैंने टुडे लिखा है। अभी यहां क्या लिखा है, बैंक एंटर्ड इनटू अ सेल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कस्टमर विल बाय एट क्या रेट है, कॉन्ट्रैक्ट का रेट 36.25, क्या लिखा है, बैंक हैड एंटर्ड इनटू 3 मंथ फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, बैंक सेल करेगा कस्टमर बाय करेगा, मतलब कस्टमर इंपोर्टर है, कस्टमर कोई इंपोर्टर है जिसको 10,000 स्विस फ्रैंक खरीदना है बैंक से, क्यों, सप्लायर को देने के लिए, बराबर है, ओके, तो बैंक विल बाय एट 36.25 रुपीस ऑन 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मतलब 4th of January, ये डेट, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, एंड बैंक विल सेल at 36.25 rupees on 4th of January. अभी 4 तारीख को, 4th January को bank sell करेगा customer को 36.25. उस वक्त rate क्या होगा? उस वक्त समझो bank ने अपने आप को cover नहीं किया, bank ने अपने आप को safe नहीं किया, तो bank को loss होएगा। तो ये तारीख को, 4 तारीख को bank क्या करते हैं मालूम है? एक cover contract करते हैं। तो बैंक एंटर्स इनटू अ कवर कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, रेट पता नहीं है लेकिन वो रेट 36.25 से कम ही होएगा, मतलब बैंक का ओरिजिनल प्लान क्या है, 4th January को ये कवर कॉन्ट्रैक्ट से SF 10,000 स्विस फ्रैंक बाय करेगा एट सम रेट विच इज लेस देन 36.25 ऑफ कोर्स, और कस्टमर को बेचेगा 36.25 और डिफरेंस कमाएगा, ऐसा प्लान था बैंक का, ऐसा बैंक का प्लान था। ये कवर कॉन्ट्रैक्ट का रेट नहीं दिया है सर, नहीं दिया है तो ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, नहीं दिया है लेकिन ऐसा ओरिजिनल प्लान है, तो एज पर द ओरिजिनल प्लान ये तारीख को बैंक क्या करने वाला है,
एज पर द ओरिजिनल प्लान, कवर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदेगा एट सम रेट, पता नहीं, और कस्टमर को बेचेगा एट 36.25 और कमाएगा डिफरेंस। ये ओरिजिनल प्लान था। अभी तुम 4 दिसंबर मतलब आज, आज यहां पे इधर इधर कैंसलेशन डेट, तुम आते हो आज बैंक के पास और बैंक को बोलते हो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। अब हुआ क्या, तुमने पूरा बैंक का कैलकुलेशन बिगाड़ दिया, ठीक है। अब कैंसलेशन में कभी कभी कस्टमर को फायदा भी होता है, तो वो फायदा देना पड़ता है, इट इज अ रूल कि देना पड़ेगा। अगर मैच्योरिटी के पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हो और कस्टमर को फायदा होता है तो देना पड़ता है। मैच्योरिटी के बाद अगर कस्टमर गायब हो गया, गायब होगा, आया ही नहीं, मैच्योरिटी के बाद बोल रहा हूं, दिस इज द मैच्योरिटी डेटा, बराबर, ये तुम्हारा मैच्योरिटी डेटा है। समझो मैच्योरिटी डेट निकल गया, कस्टमर आया ही नहीं, गायब हो गया, तो कुछ रूल अलग है। तो मैच्योरिटी डेट के बाद अगर कस्टमर नहीं आया, गायब हो गया, तो कस्टमर को नुकसान भरना पड़ता है लेकिन प्रॉफिट नहीं मिलता है। लेकिन मैच्योरिटी के पहले ना प्रॉफिट मिलता है। ओके, फेडाई के रूल्स, व्हाट इज फेडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था। फेडाई फ्रेम्स द रूल्स फॉर ऑल दिस, वो रूल के हिसाब से कस्टमर को प्रॉफिट मिलेगा अगर मैच्योरिटी के पहले कैंसिल करता है तो ये वही केस है, ये वही केस है, देखो ना। अच्छा अभी देखो, सुनो, ये तारीख को 4th of January को बैंक क्या करने वाला था, बैंक ओके विल, ओरिजिनल ओरिजिनल के हिसाब से बैंक विल बाय इन कवर कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल टू द कस्टमर एट रुपीज 36.25। ये प्लान था। अभी देखो क्या हो रहा है, तुम कैंसलेशन करोगे तो बैंक है ना कवर कॉन्ट्रैक्ट में बाय तो करना ही पड़ेगा उसको, लेकिन वो सेल नहीं कर पाएगा क्योंकि तुमने ना बोल दिया, तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया आज आके, तो बैंक को आज है ना आज एक नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फॉर सेलिंग, फॉर सेलिंग एक नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग मतलब बैंक खुद एक कस्टमर हो जाएगा दूसरे बैंक के लिए, तो बैंक सेलिंग का एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बराबर है, मतलब 1 month फॉरवर्ड बिड रेट बुक करेगा। आज सेल करना है तो बिड रेट, हमको खरीदना है तो आस्क रेट होता है। तो जब बैंक खुद सेल करने जाएगा तो दूसरा बैंक के लिए वो कस्टमर हो जाता है, इंटर बैंक मार्केट में एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी बिड रेट देखो, तो बिड रेट क्या है, 36.45, 1 month forward बिड रेट 36.45, ठीक है। तो यहां पे है ना फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, देखो बैंक अभी सेल करेगा 36.45, ओके, और ओरिजिनली बैंक कस्टमर को सेल करने वाला था 36.25 में, दिख रहा है तुमको रेट देखो, और आज अगर 1 month फॉरवर्ड बिड रेट बुक किया ना तो 36.45 है। तो यहां पे ना बैंक को फायदा हो रहा है, ये फायदा है ना, बैंक शुड ट्रांसफर टू द कस्टमर। तो क्यों सर, रूल है भाई, ऐसा रूल है, देना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो रहा है बैंक को, तो इट हैज टू बी ट्रांसफर टू द कस्टमर बाय डिडक्टिंग सम चार्जेस। बैंक, कोई बैंक ज्यादा चार्ज करेगा, कोई कम चार्जेस लगाएगा, करेगा जो भी है, लेकिन एज पर द रूल इट शुड बी ट्रांसफर टू द कस्टमर, ओके। तो ये तारीख को बैंक क्या करेगा, एक 1 month फॉरवर्ड बिड कॉन्ट्रैक्ट करेगा टू सेल, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, तो 1 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल क्या है, 36.245, मतलब ओरिजिनली बैंक सेल करने वाला था 36.25 में और अभी सेल करेगा 36.45 है, तो बैंक को फायदा हो गया। हाँ, लेकिन बैंक कैन नॉट टेक दैट प्रॉफिट, बैंक शुड गिव टू द कस्टमर, दिस इज द रूल, क्योंकि बैंक इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर, बैंक को अपना चार्जेस मिल रहा है, ये ट्रेडिंग हो गया, ये नहीं, बैंक ने अपने आपको जो कवर कॉन्ट्रैक्ट किया ना वो हेजिंग के लिए है। तो एज पर द रूल द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द कस्टमर, होता है नहीं होता है अलग बात है, बहुत सारा चार्जेस काट के कस्टमर को बहुत कम आता है हाथ में, वो अलग बात है, प्रैक्टिकली अलग चीज है, लेकिन थियोरेटिकली दिस प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द कस्टमर। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, चलो इसको लिख देते हैं, लेट अस राइट डाउन, लिखो।
राइट, एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, लिखो एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर वॉज सपोज टू बाय एंड कस्टमर वॉज सपोज टू बाय एंड बैंक वॉज सपोज टू सेल, बैंक वॉज सपोज टू सेल अ स्विस फ्रैंक, वन स्विस फ्रैंक एट रुपीज 36.25, एट रुपीज 36.25 आफ्टर थ्री मंथ्स, आफ्टर थ्री मंथ्स. Full stop. However, bank must have also entered into a cover contract to buy Swiss francs. To buy Swiss francs. Full stop. Okay. आगे लिखो. After two months, that is today. The customer request for cancellation. After 2 months, that is today, the customer request for cancellation. And therefore, bank will have to enter into 1 month forward contract to sell Swiss franc at rupees 36.45. ओके, तो अभी बैंक ये रेट बुक करेगा क्योंकि बैंक कस्टमर हो जाता है दूसरे बैंक के लिए. ओके, तो सेल एट 36.45. स्टॉप. आगे लिखो. हावेवर, नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन. हावेवर द अबव रेट इज मोर देन, अबव रेट इज मोर देन द कॉन्ट्रैक्ट रेट, द अबव रेट इज मोर देन द कॉन्ट्रैक्ट रेट ऑफ रुपीज 36.25 एंड देयर विल बी अ प्रॉफिट. ठीक है, चलो नीचे लिखो. प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, ये कस्टमर को जाना चाहिए. ठीक है, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन इक्वल टू ब्रैकेट में लिखो 36.45 रुपीस माइनस 36.25 रुपीस, क्लोज द ब्रैकेट इंटू 1 लाख. तो कितना आएगा, 0.2 इंटू 1 लाख, 20,000 रुपया आता है. बराबर है, 20,000 रुपीज आता है प्रॉफिट. ओके, नाउ वी टेक एग्जाम्पल ऑन, लिखो कैंसलेशन एंड एक्सटेंशन. खाली कैंसलेशन हो सकता है या कैंसलेशन विद एक्सटेंशन भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इसमें कैंसलेशन एंड एक्सटेंशन में दोनों कवर हो गया. ठीक है, सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसलेशन एंड एक्सटेंशन ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी. ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो नाउ वी टेक अ क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू, क्वेश्चन नंबर 42। चलो 42 क्वेश्चन पे आ जाओ। एन इंपोर्टर रिक्वेस्टेड हिज बैंक, इट्स एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन रिमेंबर, टू एक्सटेंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 25,000 यूएस डॉलर। इंपोर्टर, अभी इंपोर्टर मतलब कस्टमर वॉज सपोज टू बाय, कस्टमर वॉज सपोज टू बाय, बैंक वॉज सपोज टू सेल। वो तो अंडरस्टूड है, कस्टमर बाय करने वाला है, बैंक सेल करने वाला है, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है, विच इज ड्यू फॉर मेच्योरिटी ऑन 31 अक्टूबर 2015। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आज 31 अक्टूबर 2015 है, फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अदर डिटेल्स आर इज अंडर, कॉन्ट्रैक्ट का रेट दिया हुआ है डॉलर कोटेड दिस ऑन 31 अक्टूबर, आज आज ये स्पॉट रेट है, ये 6 मंथ्स प्रीमियम है, प्रीमियम ऐड करेंगे हम लोग, प्रीमियम ऐड करेंगे, मार्जिन मनी, प्रीमियम ऐड होता है ना स्पॉट में, मार्जिन मनी फॉर बाइंग एंड सेलिंग इज दिस कंप्यूट बैंक, ये बाइंग मतलब बैंक बाय करेगा उसका मार्जिन है और बैंक सेल करेगा उसका मार्जिन है, ये मार्जिन कस्टमर के एंगल से थोड़ी दिया होता है, मार्जिन कौन चार्ज करता है, बैंक चार्ज करता है, ऑथोराइज डीलर चार्ज करता है, तो ऑथोराइज डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है वो, रिमेंबर। What is the question? Cost of cost to importer customer in respect of extension of forward contract. मैंने बोला extension करो मतलब पुराना contract cancel करो और नया बनाओ, that is called extension. Same contract में ऐसा लिख के काट के extend किया, ऐसा नहीं होता है भाई, पुराने contract को cancel करना पड़ता है और नए contract में enter होना पड़ता है, this is extension. बराबर है, मतलब cancellation का खर्चा पूछ रहे हो, कॉस्ट टू द इम्पोर्टर, कस्टमर को कैंसलेशन का कितना खर्चा लगेगा, दैट इज अ क्वेश्चन, ठीक है। चलो एंड न्यू फॉरवर्ड रेट, चलो वो बाद में करेंगे, अभी इधर सिचुएशन कैसा है, इधर सिचुएशन ऐसा है कि आज टुडे टुडे देर इज टुडे टुडे देर इज अ मैच्योरिटी डेट, ओके। अभी तुम, लेट मी एक्सप्लेन लाइक दिस, ठीक है, आज कॉन्ट्रैक्ट किया था, कभी कॉन्ट्रैक्ट किया था, कुछ लिखा है कुछ नहीं लिखा है, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। एनीवेज आज अगर समझो 31 अक्टूबर 2015 है, 31 अक्टूबर 2015 बराबर टुडे टुडे, तो तुम बैंक के पास आते हो और कैंसलेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हो, अभी होगा क्या, एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बैंक, समझो मैं बैंक हूँ, मैं क्या करने वाला था, मैं, तुम इंपोर्टर हो, यू आर अ कस्टमर, तुम बाय करने वाला था, मैं सेल करने वाला था, मैंने कवर कॉन्ट्रैक्ट तो किया होगा, मैं बैंक हुआ तो मैंने कवर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना और तुमको सेल करना एट 61, ये डिसाइडेड था, जो हमने पहले दो सम में डिस्कस किया, वैसे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने पहले है वो पता नहीं है, वो पता नहीं है, लेकिन मैंने उस वक्त कवर कॉन्ट्रैक्ट किया ही होगा, तो आज कवर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना और तुमको सेल करना ये मेरा काम था, अभी तुमको सेल नहीं कर सकता हूं क्योंकि तुम तो ना बोल दिया मुझे, कैंसलेशन के लिए बात कर रहे हो, तो मैं तुमको सेल नहीं कर सकता, तो मुझे अभी इंटरबैंक मार्केट में सेल करना पड़ेगा, मैं तुमको बेचने वाला था एट 61, देखते हैं अभी इंटरबैंक मार्केट में क्या रेट पे सेल होगा, देखते हैं। तो सेल मतलब बिड रेट, बैंक सेल करेगा मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को, इंटर बैंक मार्केट में ये वाला बैंक कस्टमर बन गया अभी, ठीक है। तो बिड रेट क्या है, देखो 60 पॉइंट, बाद में लिख देते हैं, खाली मैं ऐसे ही वर्कआउट कर रहा हूं, बिड रेट क्या है आज, स्पॉट 60.3200, ये स्पॉट रेट है, लेकिन मार्जिन उसमें आएगा, मार्जिन बिड रेट, ये बिड रेट है, बिड रेट में मार्जिन लेस होता है ना, कितना मार्जिन है, क्या लिखा है, बाइंग का मार्जिन सेलिंग का मार्जिन, अभी क्या हो रहा है, मैं बैंक हूं, तुम मेरे कस्टमर हो, मैं तुमको बेचने वाला था, तुम ना बोल रहे हो इसलिए मुझे ओपन मार्केट में बेचना पड़ रहा है, जब मैं बैंक बेच रहा हूं तो सामने वाला बैंक कस्टमर है, सॉरी आई एम अ कस्टमर, सामने वाला बैंक बाय कर रहा है, समझो तुम, मैं बेच रहा हूं तो बिड रेट लग रहा है, लेकिन सामने वाला बैंक बाय कर रहा है, तो सामने वाला बैंक ये वाला मार्जिन लगाएगा,
तो मैं बैंक खुद एक कस्टमर बन गया हूं, समझो तुम। ओके तो ये मार्जिन आएगा, तो 0.086% मार्जिन जरा लेस करो, ये कितना आता है बताओ जरा, हाउ मच इज दिस? 60.3200 2.086 कितना आएगा? 60.2681 करेक्ट है, चेक करो। ठीक है, मार्जिन मैंने लेस किया है, इसको लिख देते हैं, बट आई होप दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट, एक बार देख लो। मतलब अभी मैं तुमको बेचने वाला था एट 61, अभी तुमने ना बोल दिया तो मुझे ओपन मार्केट में बेचना पड़ रहा है एट 60.2681, तो क्या आएगा? 61 माइनस 60.2681, तो मुझे नुकसान हो रहा है 0.7319 का, इनटू क्या? 25,000, तो 18,000, 18,297,298 रुपीज का कुछ नुकसान हो रहा है। ये नुकसान मुझे होगा, मैं तुमसे वो वसूल करूंगा, बराबर। आई एम गोइंग टू रिकवर दैट लॉस फ्रॉम द कस्टमर, दैट इज यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलो उसका लिख देते हैं अभी, राइट डाउन, राइट। एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लिखो, एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट टुडे, टुडे दैट इज 31st October 2015, बैंक इज सपोज टू सेल एंड कस्टमर इज सपोज टू बाय $1 एट रुपीज 36 एट रुपीज 61 $1 एट रुपीज 61 ओके फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नाउ द कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर, नाउ द कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन, that is cancellation of the original contract, that is cancellation of the original, bracket mein likho nahi, that is bracket mein likho, cancellation of the original contract and entering into a new one, close the bracket. Extension ka matlab kya hai? Cancellation of the original contract and entering into a new one, close the bracket. ओके, तुमने क्या लिखा? नाउ कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन, ब्रैकेट के बाद लिखो, एंड देयरफॉर बैंक विल हैव टू सेल एट स्पॉट बिड रेट टू सेटिस्फाई द कवर कॉन्ट्रैक्ट। कवर कॉन्ट्रैक्ट कितने का है अपने को पता नहीं है, लेकिन बैंक का जो सेलिंग प्राइस है वो रिड्यूस हो रहा है। 61 में सेल करने के बदले 60.2681 में सेल करेगा तो नुकसान तो है ही, बराबर है। टू सेटिस्फाई द कवर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नीचे लिखो, राइट डाउन, कैलकुलेशन ऑफ कैंसलेशन रेट। ये कैंसलेशन रेट बोलेंगे उसको, 60.2681 को कैंसलेशन रेट बोलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैंसलेशन रेट लिखो उसके नीचे, स्पॉट बिड रेट, कॉपी दिस, लिखो स्पॉट बिड रेट 60.3200 माइनस मार्जिन, बिड रेट में मार्जिन लेस होता है, आस्क रेट में मार्जिन ऐड होता है, बराबर, माइनस मार्जिन, ये तुम्हारे सामने लिखो ना, और यहां लिख दो फाइनल बिड रेट, राइट ऑन दिस, फाइनल बिड रेट, फाइनल बिड रेट, चल हो गया। अभी लिखो नीचे, राइट ऑन, लॉस टू द कस्टमर इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखो, 61 रुपीज माइनस 61 रुपीस माइनस 60.2681 रुपीस
मल्टीप्लाई बाय कितना, 25,000 डॉलर्स। तो नुकसान कितना आया था, कितना था देखो जरा, आई फॉरगॉट द अमाउंट, 61 माइनस 60.2681 मल्टीप्लाई बाय 25,000, 18,298 बराबर है, 18,298 रुपीज आते हैं। आई होप दिस अमाउंट इज करेक्ट। डन, चलो ओके। अभी पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, उसको भूल जाओ, भूल जाओ। अभी न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अभी जो नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखो ना ऊपर, फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने का नया कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसमें भी कस्टमर बाई करेगा ना, वो इम्पोर्टर है, मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदने के लिए ही कर रहे हो, वापस वो डॉलर बाई करेगा, 25,000 डॉलर वापस बाई करेगा, लेकिन 6 महीने के बाद। तो मैं तुमको 1 मिनट देता हूँ, यू हैव टू ट्राई दिस। चलो करो, टेल मी द न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट, ट्राई, कम ऑन, आई विल गिव यू अ मिनट टू ट्राई, करो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन, पे अटेंशन। अभी वापस जो कॉन्ट्रैक्ट हम करेंगे, जो वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगा कस्टमर, वो आस्क रेट का ही करेगा, सीधी बात है, क्योंकि उसको वापस बाई करना है। अच्छा, तो देखो आस्क रेट क्या है, पहली बात तो अभी स्पॉट आस्क रेट क्या है, 61 रुपीज। इसमें प्रीमियम ऐड होगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू, नहीं सॉरी, नॉट 61, आई एम सॉरी, ये तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट रेट है। आस्क रेट क्या है, 60 पॉइंट, ये वाला 60.6300 बराबर है, ये आस्क रेट है। 6 महीने का प्रीमियम ऐड होएगा, प्रीमियम मुझे 6 मंथ फॉरवर्ड रेट चाहिए, तो पहले तुम ये प्रीमियम उसमें ऐड करो, प्रीमियम ऐड होएगा। अरे ये स्पॉट रेट है, मुझे 6 मंथ फॉरवर्ड रेट चाहिए और डॉलर प्रीमियम पे चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, तो आस्क रेट का प्रीमियम ये वाला ऐड करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे तो 60.6300 प्लस 0.98% आएगा, फिर मार्जिन वापस ऐड होएगा, आस्क रेट है ये, तो जो फिगर आएगा उसमें और 0.15% ऐड करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने आंसर 61.3160 दिया वो राइट है, दैट आंसर इज करेक्ट, लेट अस राइट डाउन, लिख देते हैं इसको, चलो फटाफट लिखो। इसमें सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 चल रहा है ना हमारा, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन ऑफ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट, लेट अस राइट डाउन न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट, ठीक है। तो पहले तुम लिखोगे स्पॉट आस्क रेट, ठीक है, व्हाट इज स्पॉट आस्क रेट, 60.6300, 60.6300 ऑफ कोर्स ये रुपीज में हो तो अंडरस्टूड है। फिर तुम उसमें प्रीमियम ऐड करो, प्रीमियम कितना है, 6 मंथ्स प्रीमियम 0.98% है, 0.98% जरा ऐड करो उसमें, कितना आता है देखो, 60.6300 तो 61.2242 रुपीस बराबर है, ये आ रहा है। फिर उसके अंदर तुम लोग मार्जिन ऐड करोगे, आस्क रेट में मार्जिन ऐड होता है, बिड रेट में मार्जिन लेस होता है, कितना मार्जिन है, 22 है ना, ठीक है, मार्जिन कितना, 0.15%, ठीक है। तो लिखो 61.2242 इंटू 0.15, तो दैट कम्स टू 61.2242
3160 इज अ करेक्ट आंसर, ये तुम्हारा फाइनल आस्क रेट है, बराबर है, या इसको हम बोलेंगे न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट, क्या बोलेंगे इसको हम, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट, दिस इज द न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट। चलो आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ, बराबर है, ओके। चलो नाउ वी गो फॉर अ कैंसलेशन आफ्टर द मैच्योरिटी डेट, ऑटोमेटिक कैंसलेशन। क्या होता है, अगर समझो कोई कस्टमर, कोई कस्टमर, पे अटेंशन, टुडे इज अ मैच्योरिटी डेट, ओके, समझो आज 4th of December है, आज मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट है, और कोई कस्टमर मैच्योरिटी डेट पे बैंक को अप्रोच नहीं करते हैं, बैंक के पास कस्टमर नहीं आया, गायब है, कस्टमर ही गायब है, तो फेडाई का रूल क्या बोलता है, अगर कोई कस्टमर नहीं आया सपोज, तो 3 दिन के अंदर, 3 days, मतलब 7th of December को ऑटोमेटिक कैंसलेशन हो जाएगा। क्या बोला मैंने, ऑटोमेटिक कैंसलेशन हो जाता है, ये 4th maturity date है, अगर कस्टमर आता है मैच्योरिटी डेट पे और कैंसलेशन करता है तो ऐसे, ये हमने सम किया ना अभी, ऑन दिस डेट द कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर कैंसलेशन, सो ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी कस्टमर है, सामने है, और वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, तो ठीक है, हम प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं, बट सपोज ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी द कस्टमर इज नॉट देयर, ही इज डिसअपीयर्ड, वो आया ही नहीं बैंक के पास, वो बैंक के पास आया ही नहीं, तो ऐसे केस में देयर इज अ प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक कैंसलेशन। क्या बोला मैंने, ऑटोमेटिक कैंसलेशन, ओके, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस, ये देखो यहां पढ़ो, ऑटोमेटिक कैंसलेशन क्या लिखा है, एज पर फेडाई रूल 6 अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये अपना स्टडी मटेरियल है, विच रिमेन्स ओवर ड्यू विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कस्टमर ऑन और बिफोर ड्यू डेट शैल ऑटोमेटिकली कैंसल्ड विद इन 3 working days आफ्टर द मैच्योरिटी डेट। मतलब कस्टमर ने कोई इंफॉर्मेशन, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, गायब हो गया, डिसअपियर्ड, तो रूल बोलता है कि 3 दिन में ये कैंसल, पहले ये रूल 15 दिन का था, पहले ये रूल 15 दिन का था, तो प्रीवियस स्टडी मटेरियल में सब 15, ये लेटेस्ट मटेरियल में चेंज किया वो लोग ने, दे हैव चेंज्ड, अभी 3 दिन कर दिया है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड सम्स भी होगा ना, इधर एक सम है बुक में, पास्ट पेपर्स के सम देखोगे ना, वो 15 दिन के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है, तो हमारे पास है ना इससे रिलेटेड एक सम तो इधर स्टडी मटेरियल में है, और एक मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 21 में, अक्टूबर 21, ठीक है, तो वो वाला पेपर हमारे पास है, उसमें से मैं एक सम करूंगा, ठीक है, उसमें से मैं एक सम कर रहा हूं अभी, ठीक है, आई रिपीट, तो यहां पर क्या लिखा है, कैंसलेशन 3 दिन का, 3 दिन के बाद वो कैंसिल हो जाएगा, आफ्टर 3 days द कॉन्ट्रैक्ट विल गेट कैंसल, एंड क्या लिखा है, दो कस्टमर इज लायबल टू पे द एक्सचेंज रेट डिफरेंस अराइजिंग देयर फ्रॉम बट नॉट एंटाइटल टू प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम दिस कैंसलेशन, क्योंकि कस्टमर गायब है ना, मैच्योरिटी सॉरी मैच्योरिटी डेट पे कस्टमर आया ही नहीं, तो ऑटोमेटिक 3 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद 3 दिन के बाद अगर वो आता है कस्टमर, तो उसमें प्रॉफिट होगा तो कस्टमर को नहीं मिलेगा, लेकिन लॉस होगा तो कस्टमर को बेयर करना पड़ेगा, ओके, सो सी दिस इज अ क्वेश्चन, यहां पे एक सम है, इधर एक क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज देयर इन योर मटीरियल, ओके, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं, ओके, दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो भी डन, और वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, विच एवरी वी लाइक, कोई कोई भी चलेगा, नो प्रॉब्लम,
ठीक है, लेकिन वो वाला जो क्वेश्चन है उसमें और भी पॉइंट्स कवर किए हैं, और भी पॉइंट्स कवर किए हैं, एक दो पॉइंट यहाँ पर भी सब है मेरे ख्याल से। यस, स्वॉप लॉस, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, वी कैन डू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर सकते। चलो लेट अस डू दिस स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, पढ़ो। एन इंपोर्टर बुक्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज बैंक ऑन 10th ऑफ अप्रैल फॉर 2 लाख डॉलर्स ड्यू ऑन 10th ऑफ जून एट ₹64.40। द बैंक कवर्ड इट्स पोजिशन इन द मार्केट एट ₹64.2800। मतलब देखो यहाँ पे कवर कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी किया, लेट अस राइट डाउन प्रॉपरली। हम लोग बैंक बराबर लिखते हैं, देखो 10th ऑफ अप्रैल को कस्टमर आया, 10th ऑफ अप्रैल को कस्टमर और बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10th जून को सी 10th ऑफ जून को कौन बाय करेगा, इंपोर्टर है वो, तो कस्टमर बाय करेगा और बैंक सेल करेगा। तो एज पर दी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट देखो ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मटेरियल, ओके, पेज नंबर तुम जो है वो लिख दो उधर। तो 10th ऑफ अप्रैल, ठीक है, एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर, आई एम गोइंग वेरी स्लो इन दिस क्वेश्चन, कस्टमर विल बाय एट क्या रेट है, देखो 64.4, कस्टमर विल बाय एट 64.4 एंड बैंक विल सेल एट 64.4, ठीक है, कस्टमर विल बाय एट 64.4 रुपीज ऑन 10th ऑफ जून एंड बैंक विल सेल एट 64.4 रुपीज ऑन 10th ऑफ जून, दिस इज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, कवर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, देखो कवर कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा है, बैंक कवर्ड इट्स पोजीशन इन द मार्केट एट 64.28, ओके, मतलब यहां पे कवर कॉन्ट्रैक्ट का भी फिगर दिया हुआ है, कवर कॉन्ट्रैक्ट का भी डिटेल दिया हुआ है, देखो तो बैंक कवर्स इटसेल्फ टू बाय एट क्या है 64.28 तक, देखो 64.2800 रुपीज, मतलब 10th जून को ओरिजिनल प्लान के हिसाब से क्या हो रहा है, ओरिजिनल प्लान के हिसाब से 10th जून को बैंक ये कवर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करेगा एट दिस रेट 64.28 और सेल करेगा एट दिस रेट और डिफरेंस कमाएगा, ये ओरिजिनल प्लान है बैंक का। लेकिन अगर कस्टमर कैंसिलेशन करवाता है तो बैंक का पूरा प्रॉफिट, पूरा कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। चलो अभी ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, फिर 10th जून में देखो आगे पढ़ते हैं, लेट अस रीड फर्दर, पढ़ो आगे। एक्सचेंज रेट फॉर डॉलर्स इन द इंटरबैंक मार्केट, 10 जून का रेट दिया हुआ है और 13 जून का रेट दिया हुआ है, 13 जून ये गैप देखा तुमने, 10 जून इज अ मैच्योरिटी डेट और ये 13 जून, 3 दिन का गैप है, 3 दिन का गैप है, बराबर है। अच्छा, अभी ये जून का कॉन्ट्रैक्ट, ये स्पॉट गलत लिखा है, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, ये स्पॉट नहीं होना चाहिए वहां पे, ये स्पॉट नहीं है, सॉरी ये रॉन्ग है। तो ये जून का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है सर, जून 10th जून को अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जून किधर खत्म हुआ है, जून खत्म कहां हुआ है, अभी जून 30th जून को खत्म होगा, तो 10 जून को भी 30th जून वाले कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं हम लोग, तो जून में भी जून का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही सकता है ना, ये 10th जून है, खत्म थोड़ी हुआ है। तो ये एक्चुअली ये सब फॉरवर्ड डेटा है, ये सब फॉरवर्ड है। तो यहां पर ये जो स्पॉट लिखा है ना, ये स्पॉट ये गलत है, स्पॉट मत पढ़ो, आई कैन नॉट मेक द चेंजेस, यू कैन डू इन योर बुक, यू कैन डू दैट, ठीक है। चलो तो आगे सुनो, 10 जून का डेटा दिया है
और 13 जून को डेटा दिया है, बराबर है। और आगे पढ़ो, एक्सचेंज मार्जिन इज 0.1%। ओके, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड, सर ये क्या है, देखते हैं, बताता हूं मैं। इंपोर्टर रिक्वेस्ट ऑन 14th ऑफ जून, मतलब वो 10 जून को तो आया नहीं, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी वो नहीं आया, वो 14 जून को आया, तो 13 जून को तो ऑटोमेटिकली कैंसलेशन हो गया, बराबर है। 13 जून को तो कैंसलेशन हो गया, बराबर है। चलो, फॉर एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द ड्यू डेट ऑन 10th अगस्त, वो बोलता है 14 जून को आके बोलता है कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड करो, 10th अगस्त पे लेके जाओ। तो हमको उसको क्या बोलना पड़ेगा भाई, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके लिए पहले खर्चा देना पड़ेगा तुझे, यू हैव टू गिव सम चार्जेस, यू हैव टू पे सम कॉस्ट, करेक्ट। वो पहले कैलकुलेशन करेंगे। चल आगे बढ़ो, रेट्स टू बी राउंडेड ऑफ टू 4 डेसिमल्स अप टू, ठीक है, दैट्स ओके। ऑन 10th जून बैंक स्वॉप्स बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 month फॉरवर्ड। सर वो क्या है, आई एक्सप्लेन। देखो क्या हो रहा है, ये तारीख को 10 जून को, 10 जून, 10th ऑफ जून, अभी बैंक ने ये कवर कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही है, वो तो ऐसे ही खड़ा है। एज पर द कवर कॉन्ट्रैक्ट बैंक इज सपोज टू बाय एट 64.2, 64.28, तो बैंक को तो बाय करना ही पड़ेगा ना 64.28 में। तो बैंक को 64.28 में खरीद के उस दिन स्पॉट मार्केट में बेचना पड़ा और एक नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, क्योंकि देखो ये कवर कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कवर कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाएगा ऑन 10 जून, लेकिन अभी भी कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है 3 दिन तक, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट 3 दिन तक जिंदा है। वो 13th जून को कैंसिल होगा, तब तक कैंसिल नहीं होता है वो, तो और 3 दिन वैलिड है, तो 3 दिन में भी एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है तो नुकसान हो सकता है। तो 10 जून को बैंक क्या करते हैं मालूम है, स्वॉप करते हैं। स्वॉप करते हैं मतलब क्या सर, ये वाला कवर कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाएगा, एक नया कवर कॉन्ट्रैक्ट करता है, नया कवर कॉन्ट्रैक्ट, भले 3 दिन बाकी है तो भी 3 दिन ही बाकी है, 3 दिन को तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है। 14 तारीख को तो कस्टमर आ गया, उसने कैंसलेशन का बोल दिया, वो अलग बात है, लेकिन ये 3 दिन का भी सेफ्टी चाहिए बैंक को, तो 3 दिन के लिए कवर कॉन्ट्रैक्ट वापस बैंक करता है, ठीक है। तो वो स्वॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होएगा बताता हूं, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या क्या पूछा है। कैंसलेशन रेट फाइंड करो, चलो ठीक है, कैंसलेशन रेट फाइंड करेंगे। अमाउंट पेएबल ऑन 2 लाख डॉलर्स, ओके। स्वॉप लॉस, व्हाट इज दैट स्वॉप लॉस, वी विल डिस्कस। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, ओके। न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट एंड टोटल कॉस्ट, ओके। सॉल्यूशन है लेकिन हम सॉल्यूशन को ज्यादा रेफर नहीं करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। चलो 10 जून को, 10 जून को क्या हुआ, बैंक बाइज एट 64.28 रुपीज, है ना, 64.28 रुपीज, ओरिजिनल कवर कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेल्स इन इंटरबैंक मार्केट। सेल करना पड़ेगा अभी, क्योंकि कवर कॉन्ट्रैक्ट तो खड़ा ही है, उसके हिसाब से बाय करना पड़ेगा। एंड सेल्स एट स्पॉट बिड रेट, क्या बिड रेट है, देखो स्पॉट बिड रेट क्या है, स्पॉट बिड रेट ऑन 10th ऑफ जून, 10th ऑफ जून को स्पॉट बिड रेट क्या है, ये देखो 69 पॉइंट, सॉरी ये नहीं, 63.80, ये स्पॉट बिड रेट है, ओके। ये स्पॉट नहीं, ये फॉरवर्ड लिखा है, मैंने पहले ही बोला रॉन्ग है, तो 63.8 को ये स्पॉट बिड रेट है। तो बैंक को खरीदना पड़ा एट 64.28 और बेचना पड़ा एट 63.800, बराबर है। देखो मैंने रेट बराबर लिखा है, अज्यूम करेक्ट है, मैंने बराबर लिखा है रेट, हाँ 63.8, चलो करेक्ट है। और ये तारीख को बैंक क्या करता है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, 3 दिन बाकी है, तो न्यू कवर कॉन्ट्रैक्ट है, न्यू कवर कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कवर कॉन्ट्रैक्ट, जिसके हिसाब से वापस बाई करेगा, वापस बाई कर, ओरिजिनल कवर कॉन्ट्रैक्ट बाई का है, बैंक का
ओरिजिनल कवर कॉन्ट्रैक्ट में बैंक बाई कर रहा है तो नए कवर कॉन्ट्रैक्ट में भी बाई करेगा ना, सीधी बात है। तो बाई करेगा तो आस्क रेट लगेगा फिर। तो आस्क रेट क्या है देखो, 10 जून को जून का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखो, ये जून का बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या लिखा है ये वाला, तो 63.9500। तो न्यू कवर कॉन्ट्रैक्ट एट 63.9500 बराबर है, ये न्यू कवर कॉन्ट्रैक्ट है टू बाई बराबर। ये भले 3 दिन का है सर, 3 दिन तो बाकी है, तो भी करता है बैंक अपने आप को सेव करने के लिए, ठीक है। और 13 जून को तो कैंसलेशन हो गया, ऑटोमेटिक कैंसलेशन एज पर द रूल, ऑटोमेटिक कैंसलेशन एज पर द रूल बराबर। चलो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं वन बाय वन, क्या पूछा है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कैंसलेशन रेट, ये कैंसलेशन रेट पूछा है पहला क्वेश्चन, ओके कैंसलेशन रेट। तो अभी मैं समझो बैंक हो, तुम लोग कस्टमर हो, मैं तुमको क्या बोलता हूँ, देखो भाई एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मैं तुमको बेचने वाला था एट अ पर्टिकुलर रेट, अभी तुम लोग आया नहीं तो मुझे उसको ओपन मार्केट में बेचना पड़ रहा है। तभी 13 तारीख को, 13 तारीख का डेट पकड़ेंगे, तो 13 तारीख को अगर मैं बैंक इंटर बैंक मार्केट में बेचने जाऊँ, बिड रेट लगेगा, ये रेट लगेगा, और जिधर कस्टमर इन्वॉल्व है ना उधर मार्जिन आएगा। यहां पे कस्टमर इन्वॉल्व है, यू आर अ कस्टमर, मैं तुमको बोल रहा हूं देखो भाई ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं तुमको बेचने वाला था एट अ पर्टिकुलर रेट बराबर, वो रेट क्या था 64 पॉइंट ये वाला, लेकिन अभी तुम आए नहीं तो मुझे उसको ओपन मार्केट में बेचना पड़ रहा है 63.6800 और ऊपर से बिड रेट है, तो मार्जिन भी आएगा इसके अंदर, तो मार्जिन कितना 0.1%। तो कैंसलेशन रेट ये गिना जाएगा, ये कैंसलेशन रेट मानेंगे हम लोग। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं तुमको बेचने वाला था ये रेट पे, और अभी ये रेट पे मुझे मार्केट में बेचना पड़ रहा है, देखो मार्जिन लेस करना पड़ेगा इसमें से, डिफरेंस मेरा नुकसान है, वो नुकसान पॉइंट नंबर टू में पूछा है। पहला क्वेश्चन है कैंसलेशन रेट, तो कैंसलेशन रेट इज दिस ये वाला एडजस्टेड बाय दैट मार्जिन, तो लिखो चलो राइट डाउन लिखो राइट पॉइंट नंबर वन फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन एज पर रूल फेडाई रूल सिक्स, एज पर फेडाई रूल सिक्स देयर विल बी एन ऑटोमैटिक कैंसलेशन, देयर विल बी एन ऑटोमैटिक कैंसलेशन of forward contract, there will be an automatic cancellation of forward contract after 3 days of maturity, after 3 days of maturity, बराबर है। कस्टमर भले 14 तारीख को आया होगा, कस्टमर भले 14 को आए, 15 को आए, 16 को आए, लेकिन 13 तारीख को कैंसलेशन हो गया, तो 13 तारीख का रेट पकड़ेंगे फॉर कैंसलेशन का नुकसान, कैंसिलेशन रेट निकालने के लिए वो डेट अपने को पकड़ना पड़ेगा, यू हैव टू अज्यूम दैट रेट, ठीक है। ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑन 13th ऑफ, क्या लिखा हमने 13th ऑफ जून बराबर है, ठीक है राइट डाउन राइट, ड्यू टू द कैंसिलेशन बैंक विल हैव टू सेल इन द इंटरबैंक मार्केट, bank will have to sell in the interbank market at spot bid rate barabar hai, spot bid rate pe hoga ye, to chalo likho yahan par, likho uske niche likho write down next spot bid rate, this is on 13 जून, 10 जून को मेच्योरिटी डेट है, कैंसिलेशन 13 जून को माना जाएगा, तो ये क्या रेट है देखो जरा, 63 पॉइंट कितना था 63.6800 ऑफ कोर्स रुपीस
और इसमें से मार्जिन लेस करो। जरा देखो मार्जिन कितना था, 10.1% है शायद, ओके करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेस करो 63.6800 इंटू 0.1%, तो कितना आता है 63.6163 रुपीस। ओके दिस इज द कैंसलेशन रेट, इसको कैंसलेशन रेट बोलेंगे। सर लॉस कितना, अभी लॉस देखेंगे ना, लॉस तो कंपेयर करना पड़ेगा ना, क्या रेट पे बैंक तुमको बेचने वाला था, अभी ये रेट पे बेचेगा, लेकिन उसको राउंड ऑफ करने को बोला है। ओके तो राउंडेड ऑफ, राउंडेड ऑफ टू उसने बोला है 0.0025, देखो तो लिखा है कहां लिखा है, ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बराबर है 0.0025, राउंडेड ऑफ टू 0.0025। ओके मतलब इसका आंसर कितना लिखा होगा, देखो यहाँ पे 61.63 आया है इंस्टीट्यूट को, लेकिन बाद में राउंड ऑफ करके 61. ये लिखा है देखो, तो 63 है ना, तो 63 तो नियरेस्ट है, नियरेस्ट क्या है 75 आता है, तो उसको 63.6175 रुपीज लिखा हुआ है। दिस इज द कैंसलेशन रेट, द कैंसलेशन। चलो नंबर टू, सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ो जरा द सेकेंड क्वेश्चन। अमाउंट पेबल ऑन $2 lakh, अमाउंट पेबल ऑन $2 lakh। अच्छा अभी $2 lakh पे करना है, कितना पे करेंगे डिफरेंस। अभी मैं बैंक को, मैं तुमको क्या बोलता हूं, देखो भाई आई वॉज सपोज टू सेल टू यू एट वॉट रेट, क्या कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या था हमारा, 64.4 था, देखो ये रेट पे मैं तुमको बेचने वाला था, बराबर ये रेट पे, तुम तो आए नहीं, तो मुझे ओपन मार्केट में सेल करना पड़ रहा है एट दिस रेट, ये रेट कम है तो मुझे नुकसान हो रहा है, तुम भरो नुकसान, यू हैव टू बेयर। तो लिखो लॉस ऑन कैंसलेशन, कितना 64.4 रुपीज था माइनस 63.6175 रुपीज इंटू $2 lakh। बोलो आंसर बोलो। पॉइंट 6175 इंटू 2 lakh कितना आता है 156,500, बराबर है 156,500 रुपीज। इतना रुपये का नुकसान तुमको एज अ कस्टमर भरना पड़ेगा, बराबर है ठीक है। तो अगर मैं बैंक हूं तो मैं तुमको क्या बोलता हूं, ये लॉस तो तुमको भरना है, तो तुम बोलते हो सर दैट्स इट, मैंने बोला नहीं रुको और भी है, और भी है, मैं तुमको समझा रहा हूं। देखो ऐसा, आई एम अ बैंक, तुम लोग मेरे पास आए, तुम कस्टमर हो, तुम 14 तारीख को आए मेरे पास, ओके तो मैं तुमको बोलता हूं देखो भाई मैच्योरिटी डेट क्या था, 10 जून, 10 जून को मैच्योरिटी था, तुम आने वाले थे 10 जून को नहीं आए, तो मैं बैंक को, मैं तुमको समझा रहा हूं, देखो भाई आई वॉज सपोज टू बाय एट 64.28 एंड सपोज टू सेल टू यू एट 64.4, अपना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट, लेकिन तुम तो आए नहीं, तो मुझे उसको मार्केट में बेचना पड़ा एट 63.8, दिख रहा है ठीक है, तो मुझे देखो इधर नुकसान हो रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, तो डिफरेंस निकालो, मैंने तुमसे, मैंने कवर कॉन्ट्रैक्ट में बाई किया 64.28 माइनस 63.8 में सेल किया इनटू कितना अमाउंट है 2 लाख है ना, तो 96,000 रुपीज का मुझे नुकसान हुआ है, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ यू। और फिर मैं तुमको बोल रहा हूं मुझे और एक कवर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो कस्टमर बोलता है ठीक है कवर कॉन्ट्रैक्ट का रेट बताओ, तो कवर कॉन्ट्रैक्ट में बैंक को फायदा हो रहा है, देखो कैसे मालूम है, देखो कवर कॉन्ट्रैक्ट में बैंक को फायदा हो रहा है, ये देखो ध्यान से सुनना, एज पर द ओरिजिनल कवर कॉन्ट्रैक्ट द रेट आई वॉज सपोज टू बाय एट 64.28
अभी जो मुझे नया कवर कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, वो 63.95 है। 10 जून को मैंने 1 month फॉरवर्ड आस्क रेट बुक किया ना बैंक ने टू कवर इटसेल्फ। वो रेट कम है, देखो ये रेट कम है, दिख रहा है तुमको? तो इसमें बैंक को फायदा हो रहा है। ओके, तो नेट लॉस विल बी चार्ज टू द कस्टमर है, नेट लॉस। आरबीआई कस्टमर को भी तो सपोर्ट करता है, पब्लिक को भी तो सपोर्ट करेगा, नहीं तो खाली बैंक को थोड़ी सपोर्ट करेगा। तो जो रूल्स बनाता है वो फेडाई बनाता है, बट ऑब्वियसली आरबीआई इज देयर टू मॉनिटर नो। तो रूल में कस्टमर को लॉस नहीं होना चाहिए फिर तो। इधर देखो, कस्टमर को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए सर। तो कितना बेनिफिट देखो, ओरिजिनल कवर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 64.2 रेट है, 28 का रेट है, और नया कवर कॉन्ट्रैक्ट ये है, तो इधर फायदा भी तो हो रहा है ना। मतलब इन दोनों का जो नेट होएगा ना, वो नेट लॉस है। तो ये कितना फायदा है देखो जरा, 64.28 माइनस 63.95, ओके 0.33 आता है, मल्टीप्लाई बाय $2,00,000 करो तो 66 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। देखो इधर, यहाँ पे 66,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, मतलब फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। ओरिजिनल कवर कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर रहे हैं तो उसमें 96,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन कवर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट भी हो रहा है, मतलब नेट 33,000 का लॉस हो रहा है। ये 36,000, ये 96 का लॉस है और ये 66 का प्रॉफिट हो रहा है। तो नेट लॉस इज 33,000। पहले बोलो, इतना पॉइंट समझा क्या तुमको? हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? आई वॉन्ट येस और नो फ्रॉम एवरीवन। तो फिर अभी तुम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है देखो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या पूछा है तुमको? स्वॉप लॉस पूछा है, दिख रहा है स्वॉप लॉस। तो स्वॉप लॉस कितना है? स्वॉप लॉस हम लोग लिखेंगे 33,000। कितना? 33,000 नहीं, सॉरी, कितना है नेट अमाउंट? 30,000 नेट अमाउंट। 30,000 का लॉस हम लोग कस्टमर से चार्ज करेंगे, बैंक कस्टमर से चार्ज करेगा। कैसे? 96,000 का लॉस हो रहा है और 66 का प्रॉफिट है। अभी हमको कैलकुलेशन ऐसा दो अलग अलग नहीं करना है ना तो चलेगा। देखो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो इस कंपैरिजन में 64.28 है और ये कंपैरिजन में भी 64.28 है, वो रेट कॉमन है। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट भी वही करते हैं, हम भी कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली ये वाला रेट, मतलब 63.9500 ये वाला माइनस 63.800 मल्टीप्लाई बाय $2,00,000 करेंगे तो सेम आंसर आएगा ना, 30,000 आएगा डायरेक्टली। 63.9500 माइनस 63.800 इंटू $2,00,000 करेंगे, इंटू $2,00,000 करेंगे तो तुमको डायरेक्टली 30,000 आ जाएगा। मतलब ये अलग अलग करने का जरूरत नहीं है, या तो अलग अलग करो या मत करो, इट्स अप टू यू, बट कैन वी डू लाइक दिस? इंस्टीट्यूट अपने सोल्यूशन में यही करते हैं, करेक्ट? हम लोग वही करते हैं, हम लोग भी वही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखो, चलो राइट डाउन। ओके, तो थर्ड पॉइंट है अपना स्वॉप लॉस। देखो ऑन 10th जून, राइट अप एक सेंटेंस लिखो, ऑन 10th जून बैंक एग्जीक्यूटेड द ओरिजिनल कवर कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड द ओरिजिनल कवर कॉन्ट्रैक्ट एंड have entered into a new cover contract. Full stop. The loss on this swap matlab exchange, purana cover contract hata kar naya cover contract, it's a swap. So the loss due to this swap will be charged from the customer. ठीक है, तो अभी नीचे मैं डायरेक्टली स्वॉप लॉस लिख रहा हूं, उसको एग्जैक्टली वर्किंग कैसे था हमने ऊपर लिखा ही है, तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली स्वॉप लॉस इक्वल टू क्या रेट था, 63.95
रुपीज कोर्स माइनस 63.800 रुपीज, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डॉलर्स, ओके, सो हियर यू आर गेटिंग 30,000 रुपीज का स्वॉप लॉस, यू आर गेटिंग 30,000 रुपीज का स्वॉप लॉस, ठीक है। गो टू द नेक्स्ट वन नाउ, नंबर फोर। नंबर फोर इज व्हाट? नंबर फोर इज, इधर गया, हाँ, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स इफ एनी। सर अब ये क्या है? अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। सपोज यू आर अ कस्टमर एंड आई एम अ बैंक, ठीक है। अभी तुम आए 14th को मेरे पास, तुम 14 जून को मेरे पास आए, 14 जून को तुम मेरे पास आए, सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। मैंने बोला भाई क्या लगा रखा है, यू आर सपोज टू कम ऑन 10th of June, यू हैव नॉट अराइव्ड ऑन 10th of June, 10 जून को तो तुम आए नहीं मेरे पास, ठीक है। तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, अभी नुकसान है, भरना पड़ेगा तुमको। अभी तुम कस्टमर बोलते हो, चलो ठीक है सर, बोलो क्या क्या नुकसान भरना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने कैंसलेशन का अमाउंट बोला, देखो भाई कैंसलेशन में मुझे इतना नुकसान हुआ है, कितना, ये वाला, ये नुकसान हुआ है, ये भरना पड़ेगा। तो तुम बोलते हो सर ठीक है दैट्स इट। मैंने बोला नहीं रुक जा, 10 जून को मुझे कवर कॉन्ट्रैक्ट को स्वॉप करना पड़ा, उसमें लॉस हुआ है, तो ये लॉस भरना पड़ेगा, ये लॉस भी तुमको भरना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने कवर कॉन्ट्रैक्ट किया था और मुझे लॉस हुआ। तो यू हैव टू पे 156,500 प्लस यू हैव टू पे 30,000। तो तुम लोग बोलते हो सर दैट्स इट। मैंने बोला नहीं और एक है, क्या है सर, क्या है, सुनो अभी क्या होगा मन में। 10 जून को ध्यान से सुनना, 10 जून को तुम नहीं आए, मुझे यहां लॉस हुआ, देखो। तो सर इधर प्रॉफिट भी तो हुआ ना? नहीं, ये लॉस में और ये प्रॉफिट में फर्क है। क्या फर्क है जरा ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। ये जो लॉस है ना वो कैश लॉस है, मेरा पैसा ब्लॉक हुआ है। 10 तारीख को मुझे एक्चुअली 64.8 पे मैंने बाई किया और 63.8 पे मैंने सेल किया, तो मेरा 96,000 का कैश ब्लॉक हुआ है। इधर मुझे फायदा हुआ, सॉरी लॉस हुआ, और इधर मेरा फायदा हुआ, मैंने तुमसे 30,000 रुपया वसूल किया, वो अलग बात है। इसका जो डिफरेंस है ना 30,000, वो मेरा नेट लॉस है, वो तो मैं तुमसे वसूल कर ही रहा हूं, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट कैंसलेशन, मतलब 13 तारीख के इस, वो प्रॉफिट है। ये दोनों प्रॉफिट लॉस एक दिन पे नहीं हो रहा है, मैंने कवर कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है, खाली कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है। ये कवर, इधर जो प्रॉफिट है ना, ये वाला प्रॉफिट, ये प्रॉफिट अगर होगा तो 13 तारीख को होने वाला है, अगर 13 तारीख को तुम आ गए तो। लेकिन ये लॉस है ना 10 तारीख को हुआ है, समझो तुम, ये दोनों सेम डेट पे नहीं है। ये जो डिफरेंस है ना, दिस इज ओनली द बुकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बुकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, समझो तुम मेरी बात। अगर ये प्रॉफिट होगा भी तो ये तारीख को ड्यू होगा, ड्यू। लेकिन ये लॉस है ना 96,000 का 10 जून को हो गया, मतलब बैंक का पैसा ब्लॉक हो गया। तो बैंक क्या बोलते हैं मालूम है, 96,000 रुपीज तुम्हारी वजह से मेरा ब्लॉक हो गया। देखो अभी तुम मुझे इंटरेस्ट दो इसके ऊपर, खाली इंटरेस्ट, हाँ 96,000 नहीं सर, 96,000 वो तो कवर हो गया ना। अरे 96 और 66 का डिफरेंस तो कवर किया ही मैंने स्वॉप लॉस, 96,000 के ऊपर इंटरेस्ट लॉस। अभी कस्टमर कभी आता है, अभी समझो 14 तारीख को आएगा, तो बैंक शुड चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम 10th जून टू 14th ऑफ जून, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन में यही दिया, यहां तक का इंटरेस्ट लिया हुआ है। अभी इसके ऊपर ज्यादा सम्स आया नहीं है, और ये एक समय और मॉक टेस्ट पेपर October 21 में सोल्यूशन है, उधर भी यही सोल्यूशन है, तो वी आर गोइंग विद दैट सोल्यूशन। बट अकॉर्डिंग टू मी, ये कस्टमर जब आएगा, अरे कस्टमर 14 तारीख को आया सपोज, अरे कस्टमर अगर 25 तारीख को आया, तो अगर 25 तारीख को आया तो मेरा पैसा तो 96,000 ब्लॉक हुआ है, तो ये तारीख से लेकर ये तारीख तक का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए ना, जब भी कस्टमर आया तब, है कि नहीं।
तो वी आर गोइंग एज पर द इंस्टीट्यूट सोल्यूशन नाउ, ओके, और अगर इस पर और सम्स आएंगे फ्यूचर में तो देखेंगे, बट अभी फिलहाल तो मैं ये कर रहा हूँ, आई एम गोइंग एज पर द इंस्टीट्यूट सोल्यूशन, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने इंटरेस्ट चार्ज किया ये 3 दिन के लिए, और कस्टमर 14 तारीख को आया, और वो 15 को आता तो कस्टमर 25 को आता तो अपना पैसा तो बैंक का पैसा तो ब्लॉक्ड है ना ये, ठीक है। तो ये 3 दिन का, 3 दिन का इंटरेस्ट हम लोग लेते हैं, इधर सॉल्यूशन में भी 3 दिन का ही इंटरेस्ट लिया, सो आई टेक दैट ओनली, आई विल फॉलो दिस। देखो इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स 3 दिन का 96,000 पे दिख रहा है तुमको, सो विल गो विद दिस सॉल्यूशन, वी विल गो विद दिस सॉल्यूशन ओनली, ओके। चलो तो यहां पे लिखो इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, इंटरेस्ट ये भी कस्टमर से वसूल करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन आउट ले ऑफ फंड्स, ठीक है। चलो कितना इंटरेस्ट, यहां जरा एक सेंटेंस लिख दो, राइट डाउन, ऑन 10th जून द बैंक ऑन 10th जून बैंक incurred a loss of rupees 96,000 for which the funds were blocked 96,000 कैसे मिला तुमको पता है, तुमको चाहे तो ब्रैकेट में लिख दो, राइट डाउन ब्रैकेट में लिखो, हैव यू गॉट दैट 64, ये तुम्हारे सामने 64.28 माइनस 63.8 इंटू 2 लाख डॉलर्स, बराबर है, ये तुमको बताएं, ठीक है। लिखो नेक्स्ट लाइन, ऑन दिस फंड्स बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलो नीचे लिखो इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स कितना 96,000 पे 12% दिया हुआ है देखो, और 3 दिन का ले लो, 3 / 360 लिखा है क्या, चेक करो जरा क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया है तो 365 ले लो, नॉट गिवन एज सच, 365, see what you're getting, is it 96? Check कर लो, लिया हुआ है, they have taken 360, okay, so take 360 चलेगा 96, 360 ले लो, ओके। चलो अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या पूछा है, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट हम लोग बाद में करते हैं, लास्ट में करते हैं, पहले ये कर दो। चलो टोटल कॉस्ट क्या होगा कस्टमर को टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट कितना चार्ज करेंगे कस्टमर को, ठीक है। चलो तो यू आर अ कस्टमर, मैं अगर बैंक हूं तो मैं तुमको टोटल क्या चार्ज करने वाला हूं, चलो फिर लिखते हैं पॉइंट नंबर 6 पहले कर देता हूं, टोटल कॉस्ट टू बी चार्ज्ड टू द कस्टमर, टोटल कॉस्ट टू बी चार्ज द कस्टमर, तो तीनों ऐड करो, वो कितना था 156 कुछ था ना, 156,500 ऊपर वाला, 156,500 प्लस द स्वॉप लॉस ऑफ 30,000 प्लस दिस इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 96 रुपीज, बोलो टोटल कितना है, प्लस 30,000 प्लस 156,500 186,596 रुपीज। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, ओके। चलो अभी नंबर फाइव,
नाउ सी देयर इज अ क्वेश्चन, एक डाउट पूछा है स्टूडेंट ने, क्या डाउट है? देखो डाउट यह है कि सर ऑन 13 जून को जब हमने कैंसलेशन रेट कैलकुलेट किया, ओके तो कैंसलेशन रेट क्या था? 63 पॉइंट ये रेट था, देखो 63 पॉइंट ये वाला रेट था, और उसको मैंने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर किया और लॉस निकाला। सर इसके बारे में नहीं सोचा, उसके बारे में मैंने सोचा, उसके बारे में देखो ना ये जो स्वाप है वो डिफरेंस में कवर हो गया, वो उसके बारे में अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। देखो ये रेट के बारे में सोचा था 64.28, तो 64.28 अगर समझो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता, बराबर एग्जीक्यूट हो जाता तो हम इसके बारे में सोचने वाले थे, कवर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं सोचने वाले थे, वो तो बैंक का पर्सनल प्रॉब्लम है। अच्छा लेकिन अभी क्योंकि कैंसलेशन हुआ तो इसके बदले ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो सर इन दोनों का इसके बदले तुमने ये किया तो इन दोनों का डिफरेंस तो लिया ना तुमने 66,000, उसमें वो कवर हो गया। तो डोंट टच द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एज इट इज। बैंक ने अपने सेफ्टी के लिए कवर कॉन्ट्रैक्ट को चेंज किया है, और वो कवर कॉन्ट्रैक्ट को चेंज किया उसका प्रॉफिट लॉस कवर हो गया है, वो इसके अंदर कवर हो गया, तो हमको वापस वो 64.4 को टच नहीं करना है। मतलब 13 जून को तुमको कैंसलेशन रेट को 64.4 से कंपेयर करना है, बस इसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तुम सोच चुके हो पहले से, वो यहां कवर हो गया प्रॉफिट लॉस जो भी है। गेटिंग इट? सो दिस वाज अ डाउट आस्क्ड बाय समवन। ओके नाउ द लास्ट वन इज न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट। अच्छा अभी जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें वो इंपोर्टर था, वो डॉलर बाय करने वाला था, तो नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी वो बाय करेगा ना, सीधी बात है, सेल कैसे करेगा, बाय करेगा। लेकिन उसको देखो एक्सटेंशन क्या लिखा था, उसने लिखा है 10th जून को अभी वो बाय करने वाला है, सॉरी 10th अगस्त, आई एम सॉरी, तो 10th अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो वो वापस आता है और बोलता है कि हमको 10th अगस्त का एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना के दो। चलो आई गिव यू अ मिनट टू ट्राई करो, मार्जिन है रिमेंबर, ट्राई करो, चलो पे अटेंशन, आई विल एक्सप्लेन, सुनो अभी। तो वो 14 जून को एक्चुअली आता है हमारे पास, तो 14 जून का रेट्स देना चाहिए उसको, 14 जून का रेट, जैसे इधर अभी 13 जून दिया है ना, तो 14 जून का रेट्स देना चाहिए था यहां पे किधर, लेकिन नहीं दिया है, तो हम 13 जून का रेट लेते हैं, बराबर है। तो 13 जून को समझो वो क्या करता है, नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहता है अगस्त के लिए, तो 13 जून को आस्क रेट देखो अगस्त के लिए, देखो ये है 64.2500। एक्चुअली हमको ये 14 जून का रेट लेना चाहिए, अगर दिया होता तो हम लेते, लेकिन नहीं दिया तो मैं 13 जून का लेता हूं, ठीक है। तो 64.2500 रेट है, उसमें मार्जिन ऐड करो, दैट्स इट। ओके 14 जून को इंपोर्टर आके एक्सटेंशन का बात करता है, तो 14 जून का रेट लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिया है तो मैं 13 जून का ले रहा हूं। तो 13 जून को तुम अगस्त का फॉरवर्ड देखो ना, ये देखो ना क्या है 65 64 पॉइंट आस्क रेट 2500, बराबर है। तो लिखो चलो कैलकुलेशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट, ठीक है क्या? तो तुम पहले दिस इज ऑन 13th of जून, ओके दैट इज 14th of जून, एक्चुअली वी आर हेल्पलेस, 14 जून का रेट लेना चाहिए लेकिन हमको 13 जून का रेट लेना पड़ रहा है, बराबर है, एक दिन का डिफरेंस है लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो तुम एक मिनट, चलो 14th of जून, तो ये क्या है अगस्त का आस्क रेट, इट इज 64.2500 दिया हुआ है, और आस्क रेट में हम लोग मार्जिन ऐड करते हैं, बराबर है। सो यू ऐड द मार्जिन 0.1% ऐड करो,
64.25 इंटू 0.1% प्लस यू आर गेटिंग 64.3143 समथिंग 31425 3143 है. दिस इज द फाइनल आस्क रेट या न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट. तो उसको अप्रोक्सीमेटली दैट इज को राउंड ऑफ करना है ना, राउंडेड ऑफ, तो 3150 कर देंगे. दिस इज राउंडेड ऑफ, उसने राउंड ऑफ करने को बोला था. ओके, सो दिस इज द न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट. क्या ये तुम्हारा न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट है? दिस इज द न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट. ओके, नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन ऑन अर्ली डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अर्ली डिलीवरी मतलब कैंसलेशन बिकॉज ऑफ अर्ली डिलीवरी. हमने पहले सम क्या किया, कैंसलेशन बिफोर द मैच्योरिटी डेट, कैंसलेशन ऑन द मैच्योरिटी डेट, फिर ऑटोमेटिक कैंसलेशन आफ्टर द मैच्योरिटी डेट, वो हमने किया. नाउ दिस इज द अर्ली डिलीवरी ऑफ द कैंसलेशन, नहीं अर्ली डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. उससे भी तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही होते हैं. मतलब तुमने अगर बैंक को बोला कि एक महीने के बाद मैं डॉलर खरीदूंगा और तुम 15 दिन में बैंक के पास पहुंच जाते हैं, अरे तो होगा क्या, बैंक का पूरा कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो ही जाता है उधर भी. तो यू आर गोइंग फॉर एन अर्ली डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, चलो नाउ टेक दिस क्वेश्चन. देखो, ऑन 1st of January 2019 ग्लोबल लिमिटेड एन एक्सपोर्टर एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद बीबीसी बैंक टू सेल 2 लाख यूएस डॉलर्स ऑन 31st of March 2019, ओके, एट रुपीज 71.5 डॉलर्स. हाउएवर, ड्यू टू द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर, ग्लोबल लिमिटेड रिसीव द अमाउंट ऑन 28th of February. मतलब जल्दी मिल गया, एक महीना पहले ही पैसा मिल गया. 1st January को कॉन्ट्रैक्ट किया था. इज एन एक्सपोर्टर कंपनी. ठीक है, ग्लोबल लिमिटेड रिक्वेस्टेड द बैंक टू टेक डिलीवरी ऑफ द रेमिटेंस ऑन 2nd March, मतलब एक महीना पहले. द इंटरबैंक रेट्स ऑन 28th of February वर दिस. If bank agrees to take early delivery, what will be the net inflow to Global Limited, assuming that the prevailing prime lending rate is 15%, assume 365 days in a year. Now see what is happening first of all. Question number 46. Kya ho raha hai pehle idhar dekho. As per the original contract, 1st January, okay, 1st Jan. 1st Jan को कॉन्ट्रैक्ट किया. ओके, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या कस्टमर विल सेल, वो एक्सपोर्टर है, विल सेल एट क्या रेट, 71.5, बराबर है, एट 71.5, बराबर है. ओके, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है एंड बैंक वॉज सपोज टू बाय at 71.5. तो ऐसा डिसाइड हुआ था कि बैंक विल सेल एट 71.5 रुपीस ऑन 1st of March. नो फर्स्ट ऑफ नो नॉट फर्स्ट ऑफ मार्च 31st of March. ओके, 31st of March एंड बैंक विल बाय एट 71.5 ऑन 31st of March. ऐसा डिसाइड हुआ है और बैंक ने अपने आप को कवर किया होगा, बराबर है. तो कवर कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही होगा, कवर कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं है क्वेश्चन में. बैंक कवर्स इटसेल्फ टू सेल ऑब्वियसली. अच्छा, और ये 31st of March, लेकिन क्या हुआ ऑन 28th of February, एक महीने पहले कस्टमर बैंक के पास जाता है और बोलता है ये लो डॉलर्स. डॉलर है कौन सा करेंसी, लेट मी सी कितना था, 2 लाख डॉलर्स, बराबर. तो 2 लाख डॉलर्स कस्टमर जल्दी दे रहा है,
ठीक है, और बैंक अगर वो ले लेगा एडवांस में तो होगा क्या, टेल मी व्हाट विल हैपन। एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बैंक बाय करने वाला था ये तारीख को और सेल करने वाला है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखो, बैंक विल बाय एट 71.5 रुपीज एंड सेल अंडर कवर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा होएगा। अब ये तारीख को अगर कस्टमर आ गया, समझो टुडे, हम ये पकड़ते हैं, सपोज दिस इज टुडे, तो होगा क्या, बैंक को कस्टमर से बाय करना पड़ेगा, इधर बैंक को बाय करना पड़ेगा एट 71.5 रुपीज, बराबर है, और उसको ओपन मार्केट में सेल करना पड़ेगा, मतलब कवर कॉन्ट्रैक्ट में सेल करने के बाद, सेल अंडर कवर कॉन्ट्रैक्ट, इधर कवर कॉन्ट्रैक्ट के बदले उसको ओपन मार्केट में सेल करना पड़ेगा, तो ये जो लॉस है ना वो बैंक को बेयर करना पड़ेगा, अगर लॉस है तो देखना पड़ेगा क्या है रेट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और फिर बैंक को एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बाय करने के लिए, क्योंकि बैंक का ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो खड़ा ही है सेल वाला, तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बाय का करना पड़ेगा, बराबर। आई रिपीट, देखो वापस सुनो, वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, आई रिपीट व्हाट आई एम सेइंग। ऑन 20th of Feb कस्टमर बोलता है मेरे $2,00,000 ले लो, तो बैंक बाय करेगा एट 71.5 एंड विल सेल एट पॉट बिड रेट। क्या करेंगे, बिड रेट में बेचना पड़ेगा, तो इसमें फायदा नुकसान देखना पड़ेगा। व्हाट इज द बिड रेट, लेट अस चेक, लेट अस चेक व्हाट इज द बिड रेट। तो ये एक पार्ट देखते हैं पहले। देखो, ऑन 20th Feb द बैंक वुड परचेज फ्रॉम द एक्सपोर्टर $2,00,000 एट एन अग्रीड रेट ऑफ 71.5। हाउएवर बैंक विल चार्ज फॉर अर्ली डिलीवरी कंसिस्टिंग ऑफ स्वॉप डिफरेंस। तो स्वॉप डिफरेंस तो आएगा ही, ठीक है, तो बैंक विल सेल एट दिस रेट एंड ये स्वॉप डिफरेंस क्या है एंड ओके, तो टोटल ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है चलो। तो इसमें भी दो है, देखो पे अटेंशन, तो ये रेट क्या है, बिड रेट बताओ, ये बिड रेट क्या है, व्हाट इज दिस बिड रेट ऑन 20th of Feb। देखो जरा 20th of Feb को बिड रेट क्या है, 71.20, बराबर है 71.20, तो इधर 71.20, ठीक है, तो ये गैप कितना, व्हाट इज द डिफरेंस नाउ, व्हाट इज द डिफरेंस, 0.3 का डिफरेंस है। तो बैंक इज गोइंग टू बाय एट दिस रेट एंड सेल एट दिस रेट इन द स्पॉट मार्केट, तो इधर नुकसान कितना हुआ, 0.3 रुपीज का नुकसान हुआ। और बैंक को एक दूसरा नया आस्क रेट करना पड़ेगा, ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो 1 month forward आस्क रेट, तो 1 month forward आस्क रेट, ये कवर रेट है, दिस इज द कवर रेट, नया कवर रेट, एक और एक कवर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा इसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये वाला रेट क्या है, 1 month forward आस्क रेट, देखो क्या रेट है, 1 month forward आस्क रेट, इट इज 71.25 है, और उसमें हम लोग मार्जिन, इधर एक मिनट, लेट मी जस्ट इन लिटिल बिट, कंफ्यूज नहीं होगा तुमको, जस्ट वेट। तो क्या होगा, 71.25 का रेट है और ये स्वॉप पॉइंट बिड का कम है, आस का ज्यादा है, देखो तो आस का स्वॉप पॉइंट ऐड होएगा क्योंकि वो ज्यादा है ना, तो 71.35 का नया आस्क रेट लेना पड़ेगा, तो इधर 71.35 का नया आस्क रेट आएगा, ओके। तो इधर बैंक को प्रॉफिट लॉस कितना होगा वो अभी हमको कैलकुलेट करना है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो अभी इसमें नेट लॉस कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से, पे अटेंशन, नेट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 0.3 का लॉस है, कितना कंफर्म है, क्योंकि बैंक को 28 तारीख को, सुनना ध्यान से, बैंक को 28 तारीख को 71.5 रुपीज में बाई करना पड़ा एज पर दी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, और ओपन मार्केट में बिड रेट में सेल करना पड़ा 71.2 में, तो 0.3 का लॉस हुआ है, इधर लॉस हुआ है। अभी बैंक को एक, मैंने क्या बोला, नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ा, दिस इज द रेट,
तो ये रेट पे अभी बैंक बाई करेगा 31 मार्च को, लेकिन इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, देखो ध्यान से। अरे एज पर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बैंक वॉज सपोज टू बाय एट दिस रेट 71.5, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अभी नया जो रेट मिला वो 71.35 मिला है, कम मिला है, कम। तो बाइंग रेट कम मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो 71.35 और 71.5 का जो डिफरेंस है, 71.35 और 71.5 का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। मतलब यहां पे लॉस हुआ और इधर प्रॉफिट हुआ, इन दोनों के डिफरेंस में प्रॉफिट हुआ। नहीं तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 31 मार्च को ये रेट पे बाई करने वाले थे 71.5, तो बैंक इज सपोज टू बाई नाउ एट 71.35। ओके, तो यहां पे 0.15 का देखो ये डिफरेंस कितना है, 0.15, ये 0.15 है। तो इधर 0.3 का लॉस है और उधर 0.15 का प्रॉफिट है। इधर यहां पे 0.15 का प्रॉफिट है देखो, तो नेट लॉस 0.15 का हुआ, 0.3 का लॉस, 0.15 का प्रॉफिट, तो नेट लॉस 0.15 का हुआ है, मल्टीप्लाई बाय $2,00,000 जो भी आता है, तो 30,000 रुपीज का लॉस हुआ। ये स्वॉप लॉस है, दिस इज द स्वॉप लॉस, बराबर है। ये स्वॉप लॉस कस्टमर को भरना पड़ेगा और प्लस इंटरेस्ट, ये जो फंड्स है देखो, ये नुकसान हुआ है कंपनी बैंक को 0.3 × $2,00,000 मतलब कितना हुआ 60,000, तो 60,000 रुपीज ब्लॉक हो गया, उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा ये एक महीने का। ये कौन भरेगा, कस्टमर भरेगा, क्योंकि ये कस्टमर यहां से, ये जो बैंक का सेटलमेंट होने वाला है वो 31 मार्च को होने वाला है, तो एक महीने के लिए नुकसान का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, करेक्ट है। चलो लिखो, राइट डाउन, फटाफट लिख देते हैं इसको, लिखो राइट डाउन। ऑन 28th of March, ऑन 28th of March द कस्टमर, इसका सोल्यूशन लिख देते हैं, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The customer requested for early delivery. The customer requested for early delivery. Therefore, bank had to buy dollars at 71.25 rupees, 71.5 rupees, at 71.5 rupees. And sell at the spot bid rate of 71.2. देखो 28 तारीख का spot bid rate देखो 71.2. 28 Feb, मैंने मार्च बोला गलती से, make it 28 Feb. Okay, so bank will suppose to buy on 28 Feb, मार्च मैंने बोला गलती से, 28 Feb. At 71.5 and sell at 71.2. Full stop. There will be a loss of 0.3 rupees per dollar. There will be a loss of 0.3 rupees per dollar. Full stop. However, to satisfy the original contract. To satisfy the original contract, bank will have to enter into 1 month forward contract to buy dollars and execute the original cover contract. Original cover contract done on 1st Jan. Okay, niche likho 1 month forward ask rate equal to 1 month forward ask rate equal to 1 month forward ask rate equal to. Dekho na, ye tarikh ko ask rate kya hai tumhara? 1 month forward ask rate equal to 71.25.
लिखो 71.25 रुपीस प्लस 0.10, मतलब कितना हुआ 71.35 रुपीस, 71.35 रुपीस, बराबर है। अभी इसका सॉल्यूशन हम यहां से देख सकते हैं, इधर देखो कितना है पॉइंट, मैंने क्या बोला यहां पर देखो 0.3 का प्रॉफिट है और 0.15, 0.3 का लॉस है सॉरी, और 0.15 का प्रॉफिट है इधर, तो नेट लॉस कितना हुआ 0.15 इसका डिफरेंस, और वो डिफरेंस यहां लिखा हुआ देखो, डायरेक्ट रेट जोड़ में यूज किया है 0.15, कैन यू सी दिस, इंटू 2 लाख डॉलर, तो 30,000 आया। सर ये कौन सा रेट लिया है? अरे बाबा देखो ये दोनों के कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में कॉमन रेट कौन सा है और इन दोनों के कंपैरिजन में कॉमन रेट कौन सा है? अगर मैं ये और ये कंपेयर करूँ 71.5 और ये कंपेयर करूँ तो भी 71.5 वो कॉमन है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिया है शॉर्टकट, शॉर्टकट एक्चुअली 0.3 का लॉस है और 0.15 का गेन है वैसा है, ठीक है, लेकिन वो लोग ने नेट किया हुआ है, डायरेक्ट शॉर्टकट लिया है, चलता है वो, नो प्रॉब्लम। कॉमन रेट क्या है बीच में 71.5, कॉमन हटा दो तो फिर तुमको इन दोनों का डिफरेंस आएगा, ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम है, चलता है ऐसा। तो ये तुम्हारा स्वॉप लॉस है। और इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स कौन सा वाला, मैंने बोला ये 60,000 पे 0.3 का मेरा फंड्स ब्लॉक्ड हो रहा है, लॉस हुआ है 0.3 इंटू 2 लाख डॉलर, 60,000 रुपया बैंक का ब्लॉक हो गया, वो एक महीने के बाद सेटल होएगा, ठीक है। तो इधर 31 डेज का इंटरेस्ट लिया है, देखो 60,000 के ऊपर, ये 60,000 के ऊपर 31 डेज का इंटरेस्ट लिया है, 764 का लॉस, बराबर 28 तारीख पकड़ा है तो 1 मार्च से 31 मार्च, तो 31 डेज का इंटरेस्ट लिया है 764, मतलब कस्टमर क्या पे करेगा, कस्टमर का नुकसान क्या है 30,000 का स्वॉप लॉस ये उससे वसूल करेंगे, और 764 का इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, वो 28 तारीख को आता है, रिमेंबर 28 तारीख को, तो 28 तारीख को 2 लाख डॉलर उसका बाई करना है हमको, बैंक को बाई करना है एट 71.5, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट रेट, तो हम बैंक क्या करेगा उसको 2 लाख डॉलर इंटू 70 इतना रुपया देगा, लेकिन ये लॉस तो माइनस करेगा ना, तो लॉस माइनस करके नेट इतना उसको दे देगा, किसको, कस्टमर को, बराबर है। मतलब 28 तारीख को जब कस्टमर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ओके तेरा रेट क्या था 71.5, ओके कितना डॉलर 2 लाख डॉलर, सो 2 लाख डॉलर इंटू 71.5, ओके आई विल गिव यू, लेकिन लेकिन ये स्वॉप लॉस जो है 30,000 का ये 30,000 का नुकसान तेरे को बेयर करना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट जो आउटले ऑफ फंड्स पे ब्लॉक हो रहा है मेरा पैसा वो भी तेरे को भरना पड़ेगा, तो वो दोनों काट कर बैलेंस बैंक उसको दे देगा। आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर नाउ, करेक्ट। तो ये क्या था, दिस वॉज द अर्ली डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कैंसिलेशन हुआ ना, मैच्योरिटी के पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है तो भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कैंसिलेशन। ओके, तो हमने कैंसिलेशन के सब वेराइटी कवर कर लिया।